हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर गवर्नमेंट जॉब्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस प्रिसीजन टूल के। ये टेस्ट सीरीज पार्ट 4 है। इसके पहले 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहां से वह वीडियो देख ले, ताकि आने वाले एएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में उनकी हेल्प हो सके। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मेरा कोई भी अपडेट आप तक बड़ी ही आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बना होता है फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, लॉक, थिम्बल, स्लीव, रैचेट से मिलके। रैचेट जो है हमारा फिक्स पार्ट होता है और थिम्बल जो है मूव करता है। जैसे ही थिम्बल मूव करता है, स्पिंडल आप यहाँ देख सकते हैं, स्पिंडल आगे बढ़ता है और एनविल की मदद से वर्कपीस को यहाँ पे हम लोग लॉक करते हैं। इसमें फ्रेम है और एनविल है। फ्रेम और एनविल जो हमारा है वह कास्ट आयरन से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं कि फ्रेम और एनविल किसके बने होते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम में कुछ रीडिंग दी हुई है, ये बताता है हमारे माइक्रोमीटर का साइज। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो थिम्बल है उसमें टोटल 50 रीडिंग होती है, अगर हम बात करें मैट्रिक माइक्रोमीटर की तो। और अगर ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात करें तो थिम्बल में 25 रीडिंग होती है। ये सिर्फ आप जान लीजिए, इस ये दोनों चीज़ें हमारे लिस्ट काउंट निकालने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर का होता कितना है, तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 80-90 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है। 0.00 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर या फिर 80 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करके बाहरी संकेंद्रिता जांची जाती है। साइन बार, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट माइक्रोमीटर या वर्नियर डेप्थ गेज। तो जो बाहरी संकेंद्रिता है वह आउटसाइड माइक्रोमीटर से जांची जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल सही है। तीसरा है, वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम को कहते हैं। जो वर्नियर कैलिपर न्यूनतम मतलब सबसे कम रीडिंग लेता है उसे क्या कहते हैं। जीरो रीडिंग, लिस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग या मेन रीडिंग से जीरो एरर घटा के। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वह है लिस्ट काउंट। जो वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम रीडिंग है उसे हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच का मान कितना होता है। 0.5 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर है मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थ्रेडेड स्पिंडल का थ्रेड पिच होता है 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर काम करता है। नट, बोल्ट, स्टड, नट और बोल्ट
दोनों। तो जो हमारा माइक्रोमीटर है वह नट और बोल्ट दोनों के सिद्धांत पर काम करता है। जब भी हम अपना थिम्बल को मूव करते हैं तो जो स्पिंडल होता है वो आगे मूव करता है। तो यहाँ पे नट और बोल्ट के जैसे मैकेनिज्म होता है, इसलिए माइक्रोमीटर जो है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस औजार का प्रयोग करके टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापा जाता है? बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या टेपर गेज? तो जो वह औजार है उसे हम लोग कहते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, वर्नियर यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बीम है, दूसरा है मेजरिंग ब्लेड और तीसरा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वह है डायल, जहाँ पे रीडिंग दी हुई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, निम्न में से वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर या 0.02 मिलीमीटर? तो जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्लीप पर बने सबसे छोटे डिवीजन का माप क्या होता है? 0.1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर? तो जो हमारा मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है वह 0.5 मिलीमीटर उसके स्लिप पे सबसे छोटी डिवीजन होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यह हमारा माइक्रोमीटर है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है 0.01 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से किन कारण से डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरे रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है? इसका बेस एडजस्टेबल होता है, इसके साथ कई एडजस्टेबल रॉड आती है, इसका स्लीव लंबा होता है, इसका स्पिंडल लंबा होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इसके साथ कई एडजस्टेबल रॉड आती है, इसलिए इसको गहरे रेंज में साइजों को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थिम्बल, स्लीव, स्पिंडल। स्पिंडल के देखिए अलग अलग साइज यहाँ पे दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन बार होता है वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार या इसमें से कोई नहीं? तो जो हमारा साइन बार होता है वह होता है आयताकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आयताकार शेप में है। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है? वर्नियर प्लेट पे, बीम पे, फाइल, एडजस्टिंग यूनिट पे या फिर बेस पे? तो जो हमारा वर्नियर हाइट गेज होता है उसके बीम पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आपको फिगर दिखाते हैं, ये हमारा वर्नियर हाइट गेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए पार्ट जो है वह बीम है, यहाँ से यहाँ पूरा लंबा,
और इसी पे मेन स्केल बनी है। चलिए बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं मेन स्केल जो है बीम पर बनी है, यह है बीम और मेन स्केल आप यहाँ देख सकते हैं, यह है मेन स्केल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती है, ब्लेड पे, डिस्क पे, डायल या स्टॉक। तो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर जो है उसके डिस्क पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके डिस्क, ये है डिस्क, इसी पे मेन स्केल रीडिंग बनी है। निम्न में से यूनिवर्सल बिवेल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.5 मिनट, 5 मिनट, 5 डिग्री या फिर 5 सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्टींथ क्वेश्चन है, साइन बार की लंबाई निर्धारित की जाती है कोण से, शीर्ष से, आधार से, दोनों रोलर के बीच की दूरी से। तो जो साइन बार है उसकी लंबाई दोनों रोलर के बीच की दूरी से निर्धारित की जाती है। सिक्सटींथ क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है, बाहरी रूपरेखा को, अंदरूनी रूपरेखा को, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई को या फिर पिच डायामीटर को। तो जो स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई है उसे मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वर्नियर डेप्थ गेज, ये हमारा वर्नियर डेप्थ गेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग दी हुई है, ये है मेन स्केल, यह वर्नियर स्केल, इसमें कुछ रीडिंग दी हुई है, दोनों को मिला के कोइंसाइड करके हम लोग रीडिंग लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ब्लाइंड होल होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा होल जो दिखे नहीं बाहर से वह ब्लाइंड होल होता है। यहाँ पर साइन बार में छिद्र होता है कोण नापने के लिए, कार्य खंड को पकड़ने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो जो साइन बार में छिद्र होता है वह कार्य खंड को पकड़ने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर किस धातु के बने होते हैं, वेनेडियम स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे वर्नियर कैलिपर होते हैं वह वेनेडियम स्टील के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं, टंगस्टन कार्बाइड के, हाई स्पीड स्टील के, माइल्ड स्टील के या इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रोमीटर के एनविल होते हैं वह हमारे टंगस्टन कार्बाइड के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, डायल कैलिपर किसकी सहायता से काम करता है, वार्म के द्वारा, सेक्टर, रैक और पिनियन या फिर ए सभी। तो जो डायल कैलिपर है यह रैक और पिनियन की सहायता से काम करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है, थैंक यू ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो बेशक डिसलाइक करके जाइए, लेकिन अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए। थैंक यू।